कोरोना से जहां पूरा विश्व तबाह है, वहीं बिहार सरकार ने ऐलान है कि पटना से सटे अरवल जिले में संदिग्ध कोरोना का एक मरीज पाया गया। वहीं विक्रम में थाना से नजदीक और सिनेमा हॉल से सटे एक निजी मकान में रविवार को दो दो मीटिंग की गई, जिसमें लगभग 100 लोगों ने भाग लिया। सूत्रों से जानकारी मिलने पर जब हमारा रिपोर्टर जानकारी लेने के लिए पहुंचा, तो रिपोर्टर ने एक मंजिल पर निजी कंपनी की बैठक चल रही थी। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, तब वहां प्रभु यीशु के अनुयायी धर्म प्रचार व विस्तार पर चर्चा करते पाए गए। स्थानीय लोगों के प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार के आदेश का पूरा खुल्लम खुल्ला और नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने स्थानीय किसी भी प्रकार के बैठक को प्रतिबंधित कर रखा है। जहां बच्चों का भविष्य बनता है, स्कूल कॉलेज कोचिंग और बड़े बड़े शिक्षा संस्थान को बंद करने का पार्क म्यूजियम मनोरंजन का साधन सिनेमा हॉल को बंद करवा रखा है। विक्रम के एक निजी मकान में दो दो बैठक का आयोजन का होना स्थानीय विक्रम प्रशासन की उदासीनता का प्रदर्शित करता है। ऐसे में जहां सरकार के आदेश की अनदेखी की जा रही है, ऐसा हाल रहा तो बिहार सरकार कोरोना को रोकथाम करने के बजाय लोगों में फैलाने का काम करेंगे। सरकार ने किसी भी प्रकार की मीटिंग को होने से रोक लगाया गया। आज विक्रम के एक निजी मकान में एक दिन में दो दो मीटिंग की गई। भयभीत पुलिस अभी की महज 100 गज की दूरी पर और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। विक्रम प्रशासन का उदासीनता व्यक्त होता है, सरकार के नियम को पैरों तले रौंदा जा रहा है। पुलिस को आने से पहले ही वहां से लोग भाग निकले। ब्यूरो रिपोर्ट। लोग से जब मिले तो एक दूरी बना कर के बात करो, और खास करके जो बाहरी लोग, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे हमको ज़्यादा बचना है ना। उनसे जब हम मिलेंगे तो एक दूरी बना करके, मास्क लगा करके, ऐसे करके बात करेंगे। घर में कहीं बाहर से आए तो अपने आप हाथ को बहुत ज़्यादा बार हाथ को धोएं, हाथों को ज़्यादा मुँह नाक को ना छुएं। ये सब क्या है, हमारा अवेयरनेस है। बहुत लोग का जानकारी नहीं है, तो जानकारी के अभाव में लोग उसको फॉलो नहीं करते। सरकार ने बहुत सारी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दी है। क्यों? जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक क्या होगा, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो हर एक नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि इससे हम कैसे अपने आप को बचाएं और अपने समाज को बचाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कोरोना से भी कैसे बच सकते हैं। और लोग जो भी सरकार इसके लिए काम कर रही है, स्टार्ट किया अवेयरनेस लाया, तो अब उसकी ओर काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोग, हम लोगों में से बहुत सारे लीडर को लगता है कि हमको सब कुछ पता हो गया, प्लान भी दिखाने आ रहा है, प्रोडक्ट का नॉलेज भी हो गया है, अच्छे से मीटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस अनुसार से हमको सफलता नहीं मिल रहा है। यस नो, अनुसार से सफलता नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है उस अनुसार से सफलता? तो सक्सेस क्या है? सक्सेस रिजल्ट नहीं है, एक प्रोसेस है। सक्सेस क्या है? एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के साथ जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक रिजल्ट सही से नहीं। अब सफलता के तीन स्टेज है, सफल होने के लिए तीन स्टेज है।